नमस्कार, घर का शेफ राम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कच्चे केले का चिप्स बनाएंगे। ये चिप्स खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये काफ़ी दिन तक क्रिस्पी रहता है। इसको एयरटाइट डिब्बे में हम रख देंगे तो काफ़ी दिन तक क्रिस्पी रहता है और बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगा ये। हम यहाँ पर तीन तरह से बनाएंगे। तो पहले हम एक कढ़ाही में ऑयल रख देंगे गर्म होने के लिए। उसके बाद हम केला छीलेंगे। तो केले को हम ऐसे चाकू से ऐसे छीलेंगे, इस तरह से छील लेंगे और इसको छील के हम रखेंगे नहीं, तुरंत बनाएंगे। और अगर आपको रखना भी है तो नमक वाले पानी में रखिए, और नमक वाले पानी में नहीं रखेंगे तो फिर ये काला पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दीजिए और तुरंत छील छील के फिर बनाते रहिए। केला दो तरह से आता है, एक ऐसे छोटा वाला आता है, एक थोड़ा सा बड़ा आता है। उसमें ये लाइनिंग नहीं रहती है तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता है चिप्स के लिए, लेकिन इससे भी बन जाता है चिप्स। और हल्दी पाउडर चाहिए, सादा नमक चाहिए, थोड़ा सा हींग लेंगे और थोड़ा सा पानी चाहिए, सादा पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पानी में एक चम्मच नमक डाल देंगे ऐसे, और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। पानी मिल गया है तो ऑयल भी गर्म हो गया है और केला भी मैंने छील लिया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ऑयल गर्म हो गया है और हम ये चिप्स काटने वाला लेंगे। चिप्स काटने वाला आपके पास बड़ा है तो बड़ा लीजिए, और मेरे पास ये देखिए छोटा सा है ड्राई फ्रूट काटने के लिए, तो मैं इससे यहाँ पे काट रही हूँ। और चिप्स काटने वाले से भी अच्छा सा कटता है। तो इसमें ये केला रख के ऐसे हम इसमें काटेंगे कढ़ाई में, और ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा मोटा ना रहे, थोड़ा पतला ही रहे। इसमें हम थोड़ा सा नमक वाला पानी ऐसे करके डाल देंगे। अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, ये देखिए फूट जा रहा है। इसको हम निकाल लेंगे। सादा वाला चिप्स बन गया है, तो अब हम कलर वाला बनाएंगे। तो कलर वाला चिप्स बनाने के लिए नमक वाला जो पानी है उसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे, और इसको भी इसी तरह हम काटेंगे फिर से केले को। अब इसमें ये हल्दी वाला पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। गैस फ्लेम को हाई रखेंगे। ये भी क्रिस्पी हो गया है तो इसको भी हम निकाल लेंगे ऐसे। इसको भी मैंने निकाल लिया है, तो अब हींग वाला बनाएंगे। तो उसी नमक और हल्दी वाले पानी में हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इसी कढ़ाई में हम ये केला लेके फिर से इसको ऐसे घीतेंगे।
इसमें हम ये हींग वाला पानी अब डालेंगे, हल्दी नमक और हींग। ये भी क्रिस्पी हो गया है तो इसको भी हम निकाल देंगे। देखिए केले का चिप्स बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया बना है ये। ये हल्दी और नमक है, ये प्लेन है बिल्कुल, और ये हींग फ्लेवर है। तो आपको जिस भी तरह से पसंद आए, जिस तरह से बढ़िया लगे, आप उस तरह से बना सकते हैं। और बहुत आसानी से ये बन गया है, इसको बनाने में कुछ दिक्कत भी नहीं हुई है। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, खस्ता है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितना खस्ता है ये वाला भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह है। ये देखिए कैसे कितना खस्ता है, कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। इसको बनाते समय बस आप ध्यान रखिए कि गैस फ्लेम को हाई रखिए, और इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिए, अदरवाइज इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा जो आपका स्वाद है उस अनुसार पानी में नमक डालिए। तो ऊपर से आप चाहें तो इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जो भी आपको डालना है आप उसको डाल सकते हैं। वैसे इसमें नमक अच्छे से आ जाता है, क्योंकि पानी में हम लोग नमक डाल के फिर बनाते हैं। तो बाकी मसाला आप ऊपर से डाल सकते हैं, फिर एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लीजिए। जब भी आपको खाने का मन करे तो आप निकाल के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।